ग्राम पंचायत में चल रहा भारी घोटाला। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कराया जा रहा डस्ट से पीसीसी सड़क निर्माण। ग्राम प्रधान का आरोप, हो रहे सभी घोटाले के जिम्मेदार हैं रोजगार सहायक रामराज जायसवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के देवसर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कटाई की, जहाँ एस्टीमेट की उड़ाई जा रही है धज्जियाँ और डस्ट गिट्टी व सीमेंट से बनाई जा रही है नरखी टोला में पीसीसी सड़क। इस संबंध में जब हमारी बात ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से हुई तो उन्होंने बताया यह सभी कार्य रोजगार सहायक रामराज जायसवाल के द्वारा कराए जा रहे हैं, जो गुणवत्ता विहीन है। इन सभी कार्यों के जिम्मेदार ग्राम रोजगार सहायक रामराज जायसवाल होंगे। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत में हमारा कोई अधिकार नहीं समझा जाता, रोजगार सहायक करता है मनमाना कार्य। हम आपको बता दें कि आज इस घोटाले की खबर मिलते ही मीडिया टीम जब पंचायत में पहुंची तो रोजगार सहायक बौखला उठे और मीडिया कर्मी को पंचायत के अंदर आने का कोई अधिकार नहीं बात करते हुए पंचायत से बाहर जाने को कह दिया। बड़ी बात तो यह है कि इन सभी घोटालों की जानकारी मीडिया के द्वारा जिला व जनपद के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद भी आज तक ऐसे रोजगार सहायक पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। आज इस संबंध में जब हमारी बात जनपद सीओ प्रमोद ओझा जी से हुई तो उन्होंने बताया पीसीसी सड़क के लिए रेत का होना आवश्यक है, अगर ऐसे लापरवाही पूर्वक निर्माण हो रहा है तो उन पर नोटिस जारी कर गुनहगारों पर के खिलाफ सख्त के सख्त कार्यवाही की जाएगी। कटाई से कैमरामैन के साथ संजय साहू की रिपोर्ट। आप यहाँ किस पद पर हैं? आप अभी आप मौके पर गए थे, आपने क्या देखा, क्या मिक्सिंग चल रही थी? डस्ट और गिट्टी थी, है ना, सीमेंट। उसमें आपने क्या रोजगार सहायक या सचिव से बात की या फिर अपने उच्च अधिकारियों से कुछ जानकारी ली कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका लिखित कोई प्रमाण है? नहीं, वहाँ से तो नहीं ले, लेकिन यहाँ से गिट्टी और रोजगार बोले कि इसी से काम होगा। अभी गिट्टी और डस्ट की मिक्सिंग से रोड बनाई जा रही है, उसमें आप मौके पर गए थे, आपके द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी भरपाई आगे चल के अगर कोई बात उठती है, अगर उसमें गुणवत्ता नहीं पाई जाती है, तो उस पर आप क्या करेंगे आगे, इसकी भरपाई कौन करेगा? रोजगार सहायक और सिगरेटी जानेंगे। आपसे इससे कोई लेना देना नहीं? अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको क्या दिख रहा है? वो है आप ये मानते हैं ये गिट्टी और डस्ट से बनाया गया है और इसका कोई लिखित प्रमाण आपके पास नहीं है? शायद के आम पब्लिक हैं। अभी आपके गांव के ग्राम प्रधान से कुछ सवाल कर रहे था, किया जा रहा था मीडिया के द्वारा, तो इसमें क्या था, आपने कुछ सुना जाना इसमें क्या था? हाँ, ये जो हम बोले हैं सरपंच साहब, तो बात सत्य है। तो ये जो गलतियां पाई जा रही हैं सारी जगहों पर, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सब सहायक सचिव द्वारा किया जा रहा है। सहायक सचिव है कौन आपके पंचायत में? ये रामराज जायसवाल जी है। अच्छा, उनके द्वारा ये सारे मेड़ बंधान, नाला बंधान, ये जो भी कार्य में दिखाया जा रहा है फर्जी है, ये सब उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, करवा रहे हैं सरपंच की जानकारी नहीं है, कुछ सहायक का है सहयोग, सहायक सचिव का पूरा अधिकार है। आपने कभी अपने उच्च अधिकारी कलेक्टर या किसी से भी आपने संपर्क करना चाहे इस संबंध में शिकायत की? हाँ, यह शिकायत इंजीनियर से बोले और जिला सीओ से कहे। जी नमस्कार सर, पंकज से बात कर रहा हूँ, न्यूज़। हाँ नमस्कार, यार बताओ। सर मैं काम काम ही चला था, आज मैं ग्राम पंचायत कटाई में गया था, तो कटाई में सर एक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, वहाँ पर रेता बिल्कुल जीरो धान की रेता था ही नहीं वहाँ पर, वहाँ से डस्ट और गिट्टी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा, तो क्या एस्टीमेंट ऐसे ही बना हुआ एस्टीमेट इसका कि मतलब इसमें ये अपनी मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं रोजगार का है? नहीं नहीं नहीं, रेत तो जरूरी होती है, रेत के बिना पकड़ा जाता है। तो सर जरूरी होती है, आप भी मान रहे हैं इस बात को, तो फिर ऐसे कैसे निर्माण कराया जा रहा है? यानी लगातार पीसीसी जो भी कार्य हो रहे हैं पंचायतों में सभी में डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। तुम नाम बता दो मेरे को और एक फोटो हो तो भिजवा दो, मैं नोटिस जारी कर देता हूं। कुछ देर बाद वीडियो भी भेज देता हूँ।
हाँ भेज दो। और सर अनुसंधान का जो कार्य कराया गया उसमें भी भारी मात्रा में मशीनों को मेड़ की कराए हैं अपने माध्यम से। सारे जो भी वहाँ पे हितग्राही थे सबने यही कहा कि ये सब उनके द्वारा ही कराया जा रहा है, रोजगार सहायक मशीन लेके आए। नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं होता, आप एक काम करो जेन्युइन, जैसे तुम ये बता रहे हो अपनी पीसीसी सड़क वाला, तो पीसीसी सड़क तुमने देखा है, तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है ना जी। तो लाइक वाइज जो मेड़ बंधान की बात कर रहे हो, तो किस किस हितग्राही का मेड़ बंधान है वो नामजद बताओ। तो ऐसे में तो बहुत सारे मेड़ बंधान होते हैं ना जी, जी। तो आप नामजद बताओ और उससे पता चल जाएगा कि पैसा उनके घर वालों के खाते में जाना चाहिए, और उसके घर वालों के खाते में नहीं गया तो अनियमित है, उसके घर वालों के खाते में गया तो ठीक है। वो नाम जब मतलब भेज दो वीडियो, इस पर रोक लगवाएंगे, इसको खारिज करवा देंगे अगर इससे बंद।